नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, भारत कोरोना को हराने की तैयारी में जुटा हुआ है। हम और आप सरकार के साथ लगे हुए हैं कि किसी तरह ये बीमारी खत्म हो। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति का नाम जो बिहार से लेकर दिल्ली तक सबके जुबान पर है, वो नाम पप्पू यादव का है, जो इन दिनों भी लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं, उन असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास खाने तक को पैसे नहीं हैं। पप्पू यादव नेक काम कर रहे हैं। इसी बीच हमारे दिल्ली से संवाद सहयोगी सौरभ राज उनका दिनचर्या जानने सुबह सुबह उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद सौरभ राज ने जो रिपोर्ट हमें बताई वो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। आज की तारीख है 4 अप्रैल। सुबह के 7:30 हुए हैं। सौरभ पहुंच गए बिहार के मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव के आशियाने पर। बाहर में कुछ ही लोग मिल जाते हैं। पता चलता है पप्पू यादव तो सुबह 6:30 ही साइकिल से निकल पड़े हैं। सौरभ पूछते हैं कहां गए हैं। लोग बताते हैं पागल हो गए हैं साहब। घर वाले समझा रहे हैं, उनकी बीमारी का हवाला भी दे रहे हैं, लेकिन समझते कहाँ हैं। सौरभ ने फिर पूछा किधर गए होंगे। जवाब मिलता है बांटने गए हैं, लोग जिधर मिल जाएंगे बांट देंगे। सौरभ का अगला सवाल क्या बांटने ले गए हैं। आंसर आता है साहब के पास कल शाम को बांटने को कैश खत्म हो गया था। मांगने वालों के बीच बैंक से ट्रांसफर तो कर ही रहे थे, कैश खत्म होने पर किसी को फोन कर 2 लाख रुपए उधार मांगे। रुपए आए तो सभी 2-2 हजार के नोट थे। फिर किसी से 5-5 सौ और 100-100 रुपए का नोट खुदरा करवाया। रात में कहीं से खाने को भी कुछ मंगवाया। फिर सुबह सुबह जब फ्लैट में सभी सो रहे थे तभी खुद भी साइकिल से और 2 और स्टाफ को भी जगाकर साइकिल से चलने को कहकर निकल गए। सौरभ ने पूछा कब आएंगे। उनके इस सवाल पर बताया जाता है कि जितना लेकर गए हैं जब सब खत्म हो जाएगा तब चले आएंगे। अब सौरभ उनके फ्लैट के भीतर एक छोटे से दफ्तर में चले जाते हैं। कई मोबाइल रखे थे, सभी लगातार बजते जा रहे थे। 2 स्टाफ लगे थे कॉल रिसीव करने में। कॉल करने वाला प्रत्येक व्यक्ति परेशान ही दिखता है। सबों को कुछ ना कुछ चाहिए था। रजिस्टर में सभी का डिटेल लिखा जा रहा था। वीडियो कॉल से लोकेशन और ज़रूरत को कंफर्म भी किया जा रहा था। पता चला कि पप्पू यादव अभी जब लौटेंगे तो सब कुछ देखेंगे। कल रात जिन लोगों के फ़ोन आए थे उनकी लिस्ट अलग से तैयार हो रही थी। पटना में कोई राजेश उर्फ पप्पू और राजू दानवीर है, उन्हें बताया जा रहा था कि आज ये सब करने को कहा गया है। करीब 9 बजे पप्पू यादव लौटते हैं पसीने से तरबतर। आते ही रजिस्टर देखने लगे, कई कॉल खुद भी उठा ले रहे थे। बीच बीच में इसको फ़ोन लगाओ उसको फ़ोन लगाओ कहकर चिल्ला रहे थे। पूर्णिया में जब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था तो उन पर भी झल्ला रहे थे। कह रहे थे ये सब नहीं सुधरेगा, अभी तक सुतले होगा। अब वे सौरभ की ओर मुखातिब होते हैं तो सौरभ पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप ये सब। वे कहते हैं दिख नहीं रहा क्या आपको। सौरभ ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आप खुद बीमार थे। उन्होंने कहा अभी जिंदा हूं ना, मुझसे देखा नहीं जाता ये सब। कोई भूखा रहे परेशान रहे और मैं बैठा रहूं, ये सब नहीं होता हमसे। एक तो मैं दिल्ली में फंस गया हूं, पप्पू यादव कहते हैं किसी तरह बिहार भाग जाना चाहता हूं लेकिन कोई जाने दे तब ना। बीच बीच में वो सरकार और सिस्टम पर भी बरस रहे थे। सौरभ की बातचीत जारी थी, मोबाइल लगातार बजता ही जा रहा था। अभी कॉल करने वाला कोई बंदा रो रहा था, माँ बीमार है लेकिन शहर में दवा नहीं मिल रही, दवा पटना में मिलेगी। कॉल आरा से आया हुआ था, उन्होंने दवा की पुर्जी व्हाट्सएप करने को कहा। तुरंत व्हाट्सएप आ गया। पप्पू यादव पटना में अब किसी मुन्ना को फ़ोन लगाकर बोलते हैं नंबर लिखो, व्हाट्सएप देखो, दवा कैसे जाएगी देखो और जल्दी करो।
मदद मांगने को कई शहरों से आ रहे लगातार कॉल के बीच अब सहरसा से रोते हुए एक व्यक्ति का फोन आ गया। बेटी का पैर टूट गया है, कल शाम को खेलने में कोई डॉक्टर देखने को नहीं मिल रहा। पप्पू यादव कह रहे हैं फोन रखिए, अभी बताता हूँ। सहरसा में वो अब किसी जानने वाले डॉक्टर को फोन लगा रहे थे, पूछते हैं उधर कौन डॉक्टर मिलेगा। नाम जानने के बाद नंबर नोट किया और फिर उस डॉक्टर को खुद से कॉल किया कि ऐसे घर पर मत बैठे रहिए डॉक्टर साहब, कोरोना के अलावा और भी समस्याएं हैं। देखिए एक बच्ची का पैर टूट गया है, भेज रहा हूँ, तुरंत देखिएगा, ज़्यादा पैसे मत लीजिएगा। बच्ची के पिता के पास पैसा घटेगा तो हमसे मंगवा लीजिएगा। चलते चलते सौरभ ने पूछा कि कितना बांट दिया अब तक आपने। उन्होंने कहा हिसाब नहीं लिखते हैं, जब तक हैं बांटते ही चलेंगे। संकट की इस घड़ी में कई साथी सहयोग भी कर रहे हैं, उन सबों को पप्पू यादव ने थैंक्स भी बोला। तो ये थी पप्पू यादव की आज की दिनचर्या, जो हमारे संवाद सहयोगी सौरभ राज ने हमें रिपोर्ट के तौर पर भेजी थी। पप्पू यादव इतना कर रहे हैं, पूरा बिहार पप्पू यादव को सलाम करता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।